हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। बेबी जब 6 मंथ्स का हो जाता है उसके बाद ना हम लोग सॉलिड फूड देना उसको चालू करते हैं। तो शुरू में क्या करते हैं, हम लोग उसे सेमी सॉलिड फूड देते हैं जिनमें से एक आसान और झटपट बनने वाला फूड जो है, इंस्टेंट फूड जो है, वो है दूध में बिस्किट डालो और उसका एक स्मूदी और पेस्ट बना के बेबी को खिलाओ। बेबी बहुत शौक से खाता है, उसे पसंद भी आता है ये, और हम लोग भी खुश हो जाते हैं। बट क्या हम लोग ये सोचा है कि जल्दी जल्दी में ये जो इंस्टेंट वाला फूड आप बेबी को खिला रहे हो, तो इसमें जो बिस्किट आप डाल रहे हो, क्या वो बेबी के लिए सेफ है? जी हाँ, अगर आपको लगेगा कि हम लोग भी तो बिस्किट खाए हैं जब छोटे थे, दूध में बिस्किट डाल के हम लोग भी खाए हैं बहुत बार, मम्मी पापा हमें भी खिलाई है, तो बिस्किट में क्या प्रॉब्लम है? चलिए वीडियो से जान लेते हैं डिटेल में कि बेबी को बिस्किट देना सेफ है या नहीं। अगर सेफ नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर देना है तो कौन सी वाली बिस्किट देनी चाहिए, चलिए आज ये जान लेते हैं। दिवांश का जब सॉलिड स्टार्ट हुआ था तब डॉक्टर ने एक लंबी चार्ट दी थी कि उसको क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो उनमें से जो उन्होंने बताया कि बिल्कुल नहीं खिलाना है वो था बिस्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी सुनकर थोड़ा सा मतलब मैं भी शॉक्ड हो गई, क्योंकि बिस्किट तो एक कॉमन चीज़ है जो बेबी को खिलाती है, दूध में डाल के उसको सॉफ्ट हो जाती है, बेबी भी बहुत शौक से खा लेते हैं ना, तो फिर वो उसमें बुराई क्या है। तो फिर उन्होंने कुछ बात बताई मुझे और मैंने खुद कुछ बात मतलब रिसर्च के थ्रू मुझे पता चला देखो बिस्किट क्यों नहीं देनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्किट में जो इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, मेन इन्ग्रीडियंट उनका है मैदा, रिफाइंड फ्लोर। ये क्या है ना, मैदे आटे से बनता है, बट ये मैदे क्या होता है कि आटे का जो फाइबर पार्ट है ना उसको हटा के बहुत सारी प्रोसेसिंग के बाद ये मैदा बनता है। इस प्रोसेसिंग के थ्रू ना मैदा में जो प्रोटीन पार्ट है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो उसका जो फाइबर पार्ट है वो हट जाता है, प्रोटीन पार्ट है वो हट जाता है, तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है, स्मूथ बना देता है, इसलिए बिस्किट हमारे मुंह में ना जाकर घुल जाता है। तो ये जो मैदा है ये मतलब 6 से लेकर 12 मंथ्स तक बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इशू क्रिएट कर सकता है या फिर क्या करता है उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर ये मैदा इतनी छोटी बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दूसरी जो इंग्रेडिएंट होती है वो है रिफाइंड ऑयल या फिर पाम ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में डलडा, वो तो हम सबको पता है डलडा बेबी इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो रिफाइंड पाम ऑयल आता है वो रिफाइंड पाम ऑयल बहुत ही सस्ता होता है, वो हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी सही ही नहीं है, और इतनी छोटे बच्चे के लिए मतलब 1 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर ये भी बिस्किट में रहती है तो फिर ये भी सही नहीं है। थर्ड इन्ग्रीडियंट जो रहता है वो है शुगर। देखा जाता है कि ग्लूकोज बिस्किट में मतलब हॉर्लिक्स बिस्किट हो या फिर पर्ले जी टाइप बिस्किट हो, उनमें शुगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई है। इतनी ज़्यादा शुगर खाने से ना बेबी को दांत में कैविटी का प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर वो कैविटी मतलब जब उसका परमानेंट दांत आने वाली होगी ना तब भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो शुगर जो बनती है ना ये बहुत केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनती है, तो मतलब 6 मंथ्स से लेकर 12 मंथ्स की बेबी जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ग्रो कर रहा है, तो इतने छोटे बच्चों के लिए इतना केमिकल वाला फूड आई होप आप सब समझ ही सकते हो देना बिल्कुल सेफ नहीं है, इसलिए डॉक्टर 1 साल के नीचे बच्चों के लिए शुगर अलाउड नहीं करते हैं। और शुगर ज़्यादा लेने से क्या होता है, ज़्यादा ये सब बिस्किट विस्किट खाने से क्या होता है ना, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि बचपन से भी आजकल देखा जाता है कि बेबीज़ को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होती है, और बच्चे ना हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, फिर ओबेसिटी का प्रॉब्लम होती है, ओवरवेट हो जाते हैं बेबीज़ को, तो ये आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो फिर शुगर वाला ये सब बिस्किट तो बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ जो है वो है सॉल्ट। बिस्किट में तो सॉल्ट रहता ही है, तो क्या होता है ना 1 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए सॉल्ट की क्वांटिटी बिल्कुल कम है, 1 पिंच मानो कि इतना को चाहिए जो उसका ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू और
उसका जो फार्मूला मिल के थ्रू उसको मिल जाती है। एक्स्ट्रा जो ये इसका सॉल्ट होता है ना, तो ये इसका किडनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो फिर ये भी एक हानिकारक हो सकता है बेबी के। इसके अलावा बिस्किट में जो है वो है एडेड कलर रहता है कभी कभी, एडेड कलर, एडेड इमल्सिफायर, ये सब क्या करता है, ये सब हाई मतलब केमिकल ही है ना, तो ये सब केमिकल बेबी के बॉडी में ना धीरे 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 इसको मतलब असर करना शुरू करता है। ये अच्छा नहीं है, बेबी की इम्यूनिटी पावर इससे ग्रो नहीं होती है, बेबी की इम्यूनिटी पावर इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ये सब केमिकल वाला फूड से। और इसमें और एक चीज़ है जो है एडिड फ्लेवर, या फिर आप बोल सकते हो टेस्ट एनहेंसर। इसमें ना मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है वो मतलब डायरेक्ट ब्रेन सेल पे काम करता है। तो क्या होता है, ब्रेन सेल जो होता है वो मतलब झट से एक्टिव हो जाता है, हमें और बिस्किट खाने का मन करता है, बेबी भी और इसको डिमांड करता है, तो क्या होता है इससे हम एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ये वाला केमिकल भी बिल्कुल नहीं, और रहता है प्रिजर्वेटिव, जो मतलब क्या होता है ना, बिस्किट की शेल्फ लाइफ को तो बढ़ा देता है, बट जो बच्चों की जो सेल का जो शेल्फ लाइफ है उसको धीरे धीरे कम करता है। तो फिर ये सब प्रिजर्वेटिव वाला चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जिस फूड में ना हाई कैलोरी होती है, प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होती है, और उसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं है, फूड वैल्यू नहीं है उसका, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं जंक फूड। जी हाँ, बिस्किट को हम एक जंक फूड की कैटेगरी में डालते हैं। तो फिर सोचिए, अब इतनी छोटे बच्चे को मतलब एक साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको आप ये जंक फूड देकर उसका मतलब क्या उसका हेल्प कर रहे हो ना, तो उसका हेल्थ के लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये बिस्किट में जो चीनी है उससे कैलोरी तो आ जाती है, पर इसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए बच्चों की जो टमी है वो तो कैलोरी से फुल हो जाता है, इसलिए उसको और कुछ खाने का मन नहीं करता है, पेट भरा भरा रहता है, वो और कुछ नहीं डिमांड करता है खाने के लिए। पर इससे क्या होता है ना, इम्यूनिटी पावर ग्रो तो नहीं करती है, धीरे धीरे ये इम्यूनिटी पावर को घटाता है। तो फिर मतलब आप ये ऐसी चीज़ खिला रहे हो जिससे इम्यूनिटी पावर तो बिल्ड नहीं हो रही है, उल्टा ये घट रही है। तो क्या फ़ायदा बेबीज़ को कुछ ऐसा खिलाने में जिससे इसका इम्यूनिटी पावर तो बढ़ता ही नहीं है, ऊपर से इम्यूनिटी पावर को घटा देता है। बेबी के इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लॉट्स ऑफ वेजीज है, फ्रूट्स है, वो सब आप बेबी को खिला सकते हो, जिससे उसका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से बूस्ट होगी। अब क्या होता है ना कि क्या सारे बिस्किट ठीक नहीं है? नहीं, आप बिस्किट को घर में बना सकते हो जिनमें आप थोड़ा सा मतलब हार्ड वर्क है, थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट आप ये कर सकते हो, घर पे बेबीज़ के लिए बना सकते हो। इसमें आप मैदे की जगह आटा डालो, ओट्स डालो, या मल्टीग्रेन डालो, रागी डाल सकते हो, आप ये घटिया ऑयल की जगह आप घी डाल सकते हो, बटर डाल सकते हो, और अगर चीनी की जगह आप मिठास चाहते हो तो गुड़ डाल सकते हो, या खजूर का जो पल्प है या खजूर वो भी आप डाल सकते हो। तो ऐसे कस्टमाइज करके आप घर पे भी बना सकते हो बिस्किट को। आई नो ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, पर बेबी के हेल्थ के लिए तो मतलब बनता ही है ना। तो फिर आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन का खुद बना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो के रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी मैं फोटो पोस्ट करती हूँ। तो फिर चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, खुद का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, चलिए बाय बाय।